हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं रतलामी सेब की सब्जी, जो कि कुछ राज्यों में बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा इंदौर ज़िले में खाई जाती है। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हमने मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी और 2 इलायची। तो यहाँ हमने आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। और यहाँ हमने चॉप की हुई 2 बड़ी प्याज ली है और ये 3 से 4 हरी मिर्च है चॉप की हुई। और यहाँ हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए। और ये मसाला लिया है जो कि धनिया है, हल्दी, मिर्च और स्वाद अनुसार आप नमक लीजिए। धनिया हमने 1 चम्मच, हल्दी आधा और मिर्च भी आधा चम्मच। और ये हमने यहाँ पे लिया है दूध। हमने यहाँ सब्जी बनाने के लिए मोटे वाले सेब लिए हैं। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हमने करीब करीब 4 से 5 बड़ी चम्मच हमने ऑयल लिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। फिर इसमें हम 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी और 2 इलायची, इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम 2 कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें करीब 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। अब ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें भी हम करीब 1 मिनट तक पकने देंगे। और हम इसमें अभी नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने टमाटर को अच्छे से मेल्ट कर दिया है, अच्छे से ये पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मिर्च, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें करीब से आधा मिनट हो चुका है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हमने आधी चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच यहाँ हमने धनिया लिए हैं और आधी चम्मच हमने लाल मिर्च लिए। और यहाँ हम अच्छे से मसालों को मिलाएंगे। तो मसालों को हमें अच्छे से मिलाना है और हमें इसे धीमी आंच पर पकने देना है। इसमें हम करीब 2 बड़ी चम्मच क्रीम मिलाएंगे। क्रीम से काफ़ी अच्छा टेक्सचर बनता है, काफ़ी अच्छा स्वाद बनता है। तो आप इसे अच्छे से चलाइए, इसे अच्छे से मिलाना है। और अब ये अच्छे से पक चुका है, काफ़ी तेल ने मसाले को छोड़ दिया है बिल्कुल। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हमने करीब 1 लीटर लिया है और अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। और इसे हमें करीब 3 से 4 मिनट तक पकने देना है और ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें सेब डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हमें धीरे धीरे चलाना है। ये काफ़ी जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं, इसलिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे ऊपर से। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें कटे हुए धनिया डालेंगे। इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, ये काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आप सब्जी खा खा के पक जाते हो, तो आपको कुछ नया खाना है तो ये सब्जी बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसके सामने भी इस सब्जी को बना के सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आप भी हमारी स्टाइल में बना के देखिए।